What's up guys? आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी की तैयारी पार्ट टू। आपको याद हो यूपीएससी के ऊपर जो हर्ष राजपूत भाई की वीडियो आई थी, बहुत हिट हुई थी। पार्ट टू आ चुका है, करेंगे साथ में एंजॉय। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। ये देखो बसा कहां तेरे को, पेट बहुत बाहर आ रहा है। अरे अरे सुन, कुछ कर रहा है जी, हो भाई ये स्क्रिप्ट। नमस्कार, धाका न्यूज़ के इस ताजा तरीन एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धाका न्यूज़, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ नेटवर्क, सिर्फ धर्मेंद्र ठाकरे के साथ। अभी देखिए हम आए हैं उन्हीं गलियों में, देखिए हमें जहां से आईएएस आईपीएस रोज गुजरते हैं। और अभी एक बहुत बड़ा इधर स्कैम चल रहा है जी, कि दलाली का बहुत बोलबाला हो रहा है। इतना इन लोग पैसे कमा रहे हैं दलाली से, कि जो यूपीएससी का स्टूडेंट है ना, तैयारी छोड़ के सब प्रॉपर्टी डीलिंग और दलाली में लग गया। अभी हम यहां पे आए हैं कि देखिए ऑर्गाजम पीजी है, मेरे साथ आइए ऑर्गाजम पीजी में। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि स्टूडेंट का किस तरह से हाल है, और स्टूडेंट से बात करेंगे बढ़ते हुए रेंट, दलाली और भी कई चीजें उनके बारे में हम बात करेंगे जो भी यूपीएससी के छात्र हैं। आइए मेरे साथ, इधर देखिए, इधर कुछ आवाजें आ रही है, इधर आइए मेरे साथ, आइए कैमरा लेके आइए, इधर देखिए कुछ इधर बहुत चल रहा है। ये देखिए भाई, इधर दलाल है, इधर सर दलाली साहब का डील थोड़ी है। तुम गार्जियन है? डीलर नहीं हो, किसके गार्जियन है? लड़के के गार्जियन है। इसने क्यों खा लिया, क्या हुआ है, बस क्यों कर रहे हैं आप लोग? बात करना, पैसा वापस मांग रहा है। कमरा लिया था 7000 में। अच्छा, ये कमरा लिया था। हां, इनको कमीशन भी दिया और जमा भी किया और रेंट अलग। अब इनसे वापस मांग रहा हूँ तो ये वापस ना दे रहा हूँ। डीलर हाँ जी, तो आपने क्या जो एरिया इसका मकान मालिक से बात किया? मकान वाले से, जो डीलर कह रहा हूँ मकान वाले कोई ना है। अच्छा, जो है सो मैं ही हूँ। अच्छा, अच्छा, एक देखिए गाइस, ये देखिए एक जो कॉमन चीज है कि आप मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर में जाइए, आप मकान मालिक से सामने सामने डील करके रूम ले ही नहीं सकते हैं। मकान मालिक को सालों भर यहाँ पर आता है बवासीर। आपको किसी भी तरह की कमरा चाहिए हो तो आपको डीलर से ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, यही यहाँ का एक नियम है, पता नहीं कौन बनाया है। तो ये बताए कि तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम अनिल लाड़ू है, हम यहीं का सब कारोबार देखते हैं, बड़ा डीलर है। ये देखिए चेहरा दिखाई, इसका एरिया का सबसे बड़ा दल्ला है, दिखाइए। तो अच्छा ये बताओ, एक महीने में आप लोग खाली करके जा रहे हैं, ये बेटा है ना आपका? तो ये एक बात बताओ, क्या सिलेबस देख के गांड फट गया तुम्हारा, एक महीने में क्यों जा रहे हो? नहीं सर, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन पापा हैं कि ले जा रहे हैं वापस। अच्छा, कहा जी, ऐसा कहा कर रहे हैं इसको पढ़ने? जी सारा पढ़ता है ना गजू। अच्छा, और जाने बताना कौन से मास्टर को वीडियो देख के चलावा दिल्ली। अच्छा अच्छा, कौन से मास्टर का देख क्या हुआ जी? घोचा सर का मोटिवेशन वीडियो देख। बताइए सर, अगर मेहनत करेंगे तो नहीं होगा रिजल्ट क्लियर? हाँ मेहनत करेगा तो हो जाएगा ना, इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। का साल होगा इसका? 3 बार 10वीं में फेल हुआ ये और अभी तक 12वीं नहीं कर पाया। 10वीं में 3 बार और 12वीं का रिजल्ट ही नहीं हुआ इसका? बिल्कुल नहीं हुआ इसका। साला यूपीएससी करने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए ना होता है। ये देखिए मोटिवेशन लेके यहाँ पे आ जा रहा है, ग्रेजुएशन वगैरह कुछ नहीं किया। इसका दलाली वापस करो जी, इसका दलाली आपका जो डिपॉजिट है वो वापस करिए। इसका पैसा हम दे देंगे लेकिन थोड़ा पैसा कटेगा ना, थोड़ा डिपॉजिट करना जी। कहाँ कटेगा, गाड़ मारा ही तुम्हारा, कटेगा पैसा वापस करो, लेके जाइए इसका पूरा पैसा वापस करो। डीलर यहाँ पे कने गया जी, इधर देखो, ये देखिए झाट बराबर जो कमरा है, देखो यहाँ पे 2 बेड है। एक बेड के लिए आपको 7000 रुपया देना पड़ेगा, 7000 डिपॉजिट सिक्योरिटी और 7000 का दलाली का बड़ा रंडी खाना वाला कमरा रहता है। ये देखिए इस तरह का स्टूडेंट यहाँ पर रहना। चलो जी आगे और दिखाते हैं किस तरह है, इधर सब लोग है, ऐसे होते हैं कमरे तो जी। ये बाथरूम है तो और भी, चलिए हम आपको दिखाते हैं ऊपर ऐसा, तो और ऊपर चलते दिखाते हैं। देखिए लौका भी है, इसी तरह से सब्जी वब्जी बना के इन लोग का खिलाता है। तो और ये बहुत बड़ा डिमांड रहता है यूपीएससी का वीडियो के स्टूडेंट का हाल दिखाएं। कोची कोची झाक रहा है जी मोबाइल यार, साला पढ़ना ऐसा झाक रहा है, लड़ाई देख रहा है, यही सब यही करेगा फिर कहेगा अगले बार में पढ़ाई है। कोची हुलक रहा था ऊपर से, तुम लोग पढ़ना ना चाहिए। अच्छा यहाँ पे रहते हो, कोई दिक्कत वगैरह भी है? हाँ, साफ सफाई की दिक्कत है, ये देखिए पानी गिरा हुआ है, किचकिच हो रहा है सारा। अच्छा ये पानी गिरा हुआ, लेकिन एक बात बताओ, तुम पानी पे कहाँ ध्यान दे रहे हो, अपना रूम में बंद करके पढ़ो, किचकिच क्यों देख रहे हो यार, साला इग्नोर करके पढ़ना चाहिए। ये क्या है, डिजाइन है क्या? डिजाइन नहीं है, यहाँ आग लग गई थी। अच्छा जी सर, यहाँ पे आग लगे तो तू है वो, क्या बोलते फायर पकड़ है, तो यहाँ पे तुम लोग को सेफ्टी का कोई अति नहीं है जी? बड़ा ही लड़छड़ चीज है जी, सेफ्टी देखना चाहिए। वो अनिल आड़ू यहाँ पे कुछ नहीं लगाया है ना, अभी तक हम लोग चल के बोलेंगे उस अनिल आड़ू से कि दलाली का पैसा यहाँ पे लगाया, स्टूडेंट दूर दराज से आता है, सेफ्टी भी तो देखना होता है ना इन लोग का, सेफ्टी यहाँ पे बहुत जरूरी है, लगाएगा फायर इंस्टीट्यूशन। तो आइए मेरे साथ यहाँ पे देखिए, आगे चल के हम देखते हैं कि किस तरह से। और अभी क्या रहा था, अभी क्या रहा था, कौन गाड़ू पानी गिराया है, पहले इसको साफ करो साला, पहले साफ करो, पहले पढ़ाई करो, इसको साफ करो, साफ रहेगा तब ना पढ़े में दिमाग काम करेगा यार, सब साफ करो। पैसा मेरा 1 रुपया गिरा था, कहाँ है ये देखो साला, इतना बड़ा चीज 1 रुपया गिर गया जी। 1 रुपये में क्या होता है? अरे साला तुमको अति पता है, 1 रुपये में बहुत कुछ होता है। अब देखिए सब, देखिए कैमरा बंद है, साइज देखिए इसका, हाँ यही बोल रही थी मैं, फैला सकता है, भीड़ बहुत है इस कॉरिडोर का, इस तरह के हालत में रहता है यूपीएससी का स्टूडेंट साला। ये देखिए कमरा नंबर 104 है जी,
ये देखो तेरे को, पेट बहुत बाहर आ रहा है। कुछ कर रहा है जी, यहाँ पे साला आदमी पढ़े के लिए भेज रहा है कि तुम दारू पीने के लिए यहाँ पे भेजता है माँ बाप। ये देखो यहाँ पे दारू यहाँ पे चल रहा है, उड़ा उड़ा साला। ये लोग पता नहीं साला कि मतलब दारू जो आजकल जानलेवा है, गानलेवा भी हो रहा है दारू। बच्चों साले सब दारू पीने से दारू है। डेढ़ फसली हो गया सर, एग्जाम और इंटरव्यू हो गया है सर। हो गया है, अच्छा गया है, तो सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करने बैठ गया सर। अच्छा, कितने साल से तैयारी कर रहे थे आप? सर 7 साल से तैयारी कर रहा था। 7 साल से तैयारी कर रहे थे। अच्छा गया, इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। अभी भी हुआ नहीं, कंफर्म नहीं है। हम अभी आए सर, 3 महीने में, 3 महीने आओ इसके साथ बैठ कर लगा हुआ है। 3 महीने भाई, तो पक गया, पैक बना रहा है। ओ खुद ही कड़वा कम है, कड़वा कम है। करो ये बताओ, इसी कमरे में रख के तैयार करते हो? अच्छा अच्छा, ये देखिए कुछ किताबें इधर हैं, और ये तो बड़ा कम किताब है। वैसे चौधरी कौची तैयारी कर रहा है जी। अच्छा, यहाँ देखिए कोचिंग के नोट्स हैं। ये है नज़र, द आईएएस मेकर नंबर 1 इंस्टीट्यूट, या किलर आईएएस और राजेंद्र नगर का नंबर 1 कोचिंग है। ये देखिए ये भी नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, दिखाइए ये भी नंबर 1 है। तो भाई तो नंबर 2 है कहाँ, सब तो नंबर 1 है, यही यहाँ का चक्कर है। आओ कोची रखे हो जी। जॉनी सिंह का फोटो रखा है, क्या है ये? मेरा रूममेट है सर। अच्छा, अभी लाइब्रेरी है, यही है चीज, यूपीएससी तैयारी का यही है हाल। रिजल्ट का इंतजार करते हुए हो जाते हैं सालों साल, न बढ़ते हैं झाठ, न बचते हैं सर के बाल। मतलब कि क्यों ऐसा करना है, क्यों तैयारी करना ही क्यों है? ऐसा नहीं ना कि मतलब यूपीएससी होगा, आईएएस बनेंगे, तो तुम 7 साल गुजारा, इस बार नहीं होगा, चले जाना। और आप लोग को भी कह रहे हैं 2 साल में होता नहीं होता, तो चले जाइए। क्या वो चीज है जो आप कर सकते हैं? यू कैन बिकम एनीथिंग, हैं, यू कैन बिकम अ पोर्न स्टार, जरूर चले जाइए सर, बनकर सेवा करें। तो देखिए यही इनका सीन है। कहाँ जा रहे जी, गले में कैसे, कहाँ जा रहे हो? कोचिंग जा रहे हो? अभी तुम दारू ना पी रहा था जी यहाँ पे। गोचा सर कहते हैं कि कभी कभी दारू पी के आ सकते हैं, राजा कभी कभी नशा कर सकता है। कौन मास्टर है जी जो दारू पीना सिखा रहा है? कभी कभी कह रहा है। कोचा सर के कोचिंग में एडमिशन लिए हैं? कितना फीस दिए हैं? 3 लाख। 3 लाख यार, तुम को पान बीड़ी गुटका का यार गोपी खोल के पैसा कमा लेता है, राजा बनने आ गया यहाँ। जाओ, कौन सा लगा चैट मास्टर है जी? इधर आइए, एक और स्टूडेंट है यहाँ पे। हेलो, तुम रसीन वसीन नहीं ना रखा है जी? पिछली बार रसीन निकाल दिया था, रसीन रखा है मतलब? अच्छा अच्छा, नहीं जानता है, शरीफ लड़का है। नहीं जानता। आप कब से कर रहे हैं यहाँ पे? शरीफ सर 3 साल से हम तो। 3 साल से। इस बार जो एग्जाम हुआ है क्या, कैसा गया? सर अभी इंटरव्यू तो दे के आए हैं। ओके, हो जाएगा। इंटरव्यू अब दे दिया, हो जाएगा लग रहा है ना। तो दोस्त आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? सर किसान है पिताजी, और मम्मी हाउस वाइफ है। अच्छा, तो पढ़ाई करते कुछ उल्टा पुल्टा काम, दारूबाजी सब, लड़कीबाजी भी करते हैं क्या आप? ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? पिताजी खेत बेच कर पैसा देते हैं हमें, और इस बार उन्हें पूरी उम्मीद है। ये भी गड़बड़ निकलेगा, तुमका सही जीवन संवार देंगे, गड़बड़ निकलेगा ये। तो देखिए खेत बेच के पैसा देता है, तो इनका ध्यान है कि अच्छा कर पाए। तो ये बताइए, अगर आप बन जाते हैं ये, तो अब क्या करिएगा? सर सबसे पहले तो जहाँ मेरा सिलेक्शन होगा ना, उस जगह के लिए अच्छा काम करेंगे। और ये जो मेरी कर्म भूमि है ना, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा ना, उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा जरूर। यहाँ के स्टूडेंट के लिए काम करेंगे, बहुत बढ़िया बात है। खेत बेच के पैसा मिल रहा है इनको, अच्छा ये तैयारी कर रहे हैं। देखिए हम लोग तो खेत बेच के पैसा का भी रंडेबाजी कर दिए जी। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आपका मतलब अगर आपका जो भी रिजल्ट है, अगर होता है, तो पहला इंटरव्यू आपको ढाका न्यूज पे देना है एकदम। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए यही कहानी है, कुछ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ अपना टाइम काट रहे हैं, और डीलरों को किराया और रेंट भी भरने में लग जा रहा है। और घोचा सर कौन है जी, जो उल्टा पुल्टा मोटिवेशन देकर स्टूडेंट को बुला भी ले रहा है, उल्टा पुल्टा काम भी करवा रहा है, कभी दारू पीला के राजा बनवा। तो घोचा सर के भी कोचिंग में चल के हम देखेंगे कि किस तरह से राजा बनाता है। और अभी कोचर भाई जो तो कहां था, बोल रहे थे जगह ही नहीं है, चला क्लास भी आ सकते हैं इधर, एक साल बना के रख ले है, चला कहां आदमी पढ़ेगा, दिमाग काम करेगा। तो चलिए हम चलते हैं कोचिंग में, देखते हैं कि क्या होता है, घोचा सर से भी चल के मिलते हैं। देखते रहिए ढाका न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं जी कि हम यहाँ पे आ गए हैं, यही नजर है इंस्टीट्यूट है कोचिंग, जहाँ पे जो घोचा सर जो यहीं पे पढ़ाते हैं। और देखिए जी, दलालों के चक्कर में फंसने के बाद आदमी दूसरा चक्कर यहीं पे फंसता है, और सालों साल गुजारता है। पता क्या है, मतलब कोचिंग में कोर्स खत्म किया उसके बाद भी यही रहता है। इसका रीजन यही होता है कि जैसे घर जाता है ना जी, तो एक मादर चोर चाचा होता है, जब पूछता है कब बाबू आईएएस बन गए, बड़ा बेइज्जती महसूस होता है। उसी चक्कर में आदमी अपना जवानी जला दे रहा है मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में। आइए यहाँ पे बेसमेंट में है जी, बहुत ही जबरदस्त लोकेशन है, आइए मेरे साथ। सब्सक्राइब कर लिया करो जी चैनल, बड़ा मेहनत करते हैं यार पसीना में गर्मी। यही देखिए ये कोचिंग है ऑफिसर, यही कोचिंग है, घोचा सर यही पढ़ाते हैं। क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको एडमिशन लेने हैं क्या? नहीं, एडमिशन अब कहाँ लेंगे हम, उम्र निकल गया। तो यही मतलब कोचिंग उनका यही ना है? जी, तो
अंदर क्लास चल रही है जी, क्लास चल रही है तो अंदर थोड़ा सा हम क्लास क्लास चला अंदर बस बस दो मिनट हम लोग बीबीसी से हैं, दो मिनट के लिए हम लोग आइए देखते हैं बीबीसी कहे को दरवाजा रखा है आपका एक भी एग्जाम नहीं निकला जंग है यूपी जितनी है जंग यूपीएससी आपका पूरा फोकस चिल्ड बियर की तरफ है और जिस दिन आप ये करना समझ गए साहब समझ ही आया कि आप राजा बन गए ये मतलब का बकचोदी पेल रहे हैं जी चिल्ड बियर पीना सिखा रहे हैं आप हां ये आप कौन है जी हम लोग रिपोर्टर हैं हम बीबीसी न्यूज से हैं बिग ब्लैक कॉक न्यूज से तो एक बात बताइए कि आप इस एरिया का बहुत फेमस टीचर है बहुत नाम है आपका रील वील आपका चलता है तो क्या बच्चों को आप सिखा रहे हैं कि मतलब आईएएस बनो चिल्ड बियर राजा बियर पीना सिखाते हैं बच्चों को देखिए ये सब हम लोग बस मोटिवेशन के लिए बोलते हैं अब मोटिवेशन देंगे नहीं तो बच्चे आएंगे नहीं बच्चे आएंगे नहीं तो बच्चे टिकेंगे भी नहीं कैसे मोटिवेशन दे रहे बच्चे आएंगे नहीं फिर 3 लाख फीस भी नहीं भरेंगे इसलिए देखिए इनका मोटिवेशन रील बनाते हैं ताकि बच्चे आए दूर दराज के एरिया से जिसके कारण में दम भी नहीं है वो भी आए कि आईएएस हम बन जाएंगे हैं अभी मोटिवेशन दे तो जरूरी थोड़ी है कि हर एक बच्चा यूपीएससी का तैयारी करे करियर और भी विकल्प तो है सर जरूरी है मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को यूपीएससी करनी चाहिए हर एक बच्चे क्योंकि अगर वो यूपीएससी करेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा कुछ तजुर्बा लेगा साहब और यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं हमारे फैमिली है हम उनका बहुत ध्यान रखते हैं सर ओके जितने भी सर बाहर एक लड़का सीढ़ी से गिर गया है सर हम क्या करें बन गया सर ओहो सीढ़ी से गिर गया जी जाके बोलो उसको विकलांग कोटा बनवा ले रिजल्ट में कुछ ना कुछ उसका हो जाएगा जा विकलांग कोटा में रिजल्ट यही फैमिली है महाराज लड़का आ रहा था भगा रहे हैं जी तो एक बात आप बताइए सर जी कि जैसे कि अब जो लड़का यहाँ पे आया तैयारी करने ठीक है आपका कोचिंग में फीस दिया 3-4 साल में उसका नहीं हुआ तो जरूरी थोड़ी है कि यहाँ रहे मतलब 3-4 साल करे तैयारी नहीं हो रहा घर चला जाए है ना जाना चाहिए ना नहीं नहीं नहीं, नहीं। एकदम जरूरी है यहीं रहे यहीं रहना और लगा रहे क्योंकि हमारा रिविजन बैच स्टार्ट होने वाला है भैया और हम कहेंगे कि सारे बच्चे उसको ज्वाइन करें 4 दिन बाद रिजल्ट है और हाँ उसके साथ ही बेसमेंट में लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल फ्री है साहब अरे महाराज बात को समझे नहीं देखिए जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि जैसे 3-4 साल में यहाँ पे बच्चा रहता है ठीक है उसके बाद घर जाता है तो बड़ा रिश्तेदारी से बेइज्जती करता है कहा कि सबका रिजल्ट तो होगा नहीं पूछता है कि हुआ बेचारा तुम्हारा हुआ बेटा तुम्हारा इसमें बड़ा शर्मिंदगी महसूस होता है स्टूडेंट को तो इस चक्कर में इस एरिया को छोड़ के घर नहीं जा पाता पूरा जवानी साला इधर नेहरू विहार मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर करते हैं पूरा जवानी उन लोग का जल जाता है ना गोल मिलता है ना होल मिलता है कुछ नहीं मिलता है तो उन लोग को मतलब ये तो बात है ना कि नहीं हो तो घर चले जाओ यार 3-4 साल में कोई और चीज देखो और भी चीजें कर सकते हो देखिए मैं हर एक बच्चे से कहना चाहूंगा कि वो बेझिझक होकर घर जाए खाली पॉकेट में एक कट्टा रखें और कोई भी रिश्तेदार अगर आपके रिजल्ट के बारे में पूछे ओ भाई। तो तुरंत पोजीशन ले लीजिए और हवा में 3 राउंड फायरिंग मारिए मतलब एकदम धुआं धुआं कर दीजिए और जिस दिन आप ये करना सीख गए साहब मैं बता रहा हूं उस दिन आप राजा बन जाएंगे साहब और सोचिए आपकी पर्सनैलिटी क्या रही होगी साहब ये देखिए एक बात मेरे को समझ में आ गई कि अगर आप गांव दूर दराज से आते हैं यहाँ 3-4 लाख फीस देते हैं और मास्टर जो है पढ़ाने की जगह बकचोदी करे आपको उल्टी पुल्टी चीजें सिखाए दारू पियो गन निकाल लो राजा बनो ये सब चीजें सिखाए तो आप एक काम कीजिए जो सिखाए ना उसमें थोड़ा सा अमल कीजिए कट्टा निकालिए ठीक है रखते हैं यही मतलब लैकन को यही सब आप सिखाते हैं थोड़ा पढ़ाई कीजिए महाराज रील बना के कट्टाई गन है मोटिवेशन देंगे नहीं तो बच्चा आएगा कहां से हम रोजी रोटी आप समझिए ले जाइए आप इनको महाराज ठीक हम जा रहे हैं एक बात बताएं आप आदमी ठीक हैं लेकिन व्यक्ति बहुत लड़चट है मतलब इस तरह का कोचिंग देखिए खोले हैं उल्टा पुल्टा चीज यहां पे देखिए 28 लाख बच्चे पढ़ते हैं इतना प्राउडली यहां पे लिख रहे हैं रिजल्ट होता है 600-700 का बाकी का कहां बाकी का रेंट भर रहा है दलाली भर रहा है अलग अलग एरिया में यही सब होता है हम 4 दिन बाद रिजल्ट है ना 4 दिन बाद आपके कोचिंग में आएंगे और देख रहे हैं कि कितना परसेंट लोगों का रिजल्ट हो रहा है अगर 4-5 गो से भी अगर कम रिजल्ट हुआ ना तो फिर यहाँ हम कट्टा निकाल के अपना पर्सनालिटी आपको दिखाएंगे आप 4 दिन बाद आइएगा ठीक है 4 दिन बाद यहाँ पे आएंगे और वापस आके देखेंगे चल रहे नहीं यार मारोगे आप चलो उधर साइड में 4 दिन बाद यहाँ पे आके हम वापस देखेंगे कि इनके कोचिंग से रिजल्ट हुआ है नहीं हुआ है और आपको दिखाएंगे अभी तब तक बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए धाकर न्यूज यार पीछे रखते हैं तो रिजल्ट है चलो जी कैमरा तो देखिए हम लोग जा रहे थे अभी घोचा सर के पास कि देखने की रिजल्ट वाले दिन क्या है तो अभी रास्ते में और गाजन पीजे आएगा जिसमें हम लोग आए थे पहले तो आइए देखिए यहाँ पे भी जो स्टूडेंट था 2-3 को बोल रहा था कि अच्छा हुआ है तो उन लोग का देखते हैं जी अब हमारे तो वही था ना तो उन लोग का देखते हैं कि किस तरह से हुआ है पक्का यही रहा था जी आइए देखते हैं किसका क्या हुआ जी देखिए बड़ा खुश नजर आ रहा है हेलो क्या रिजल्ट हो गया क्या आपका नहीं हुआ तो मौका लिया हंस कह रहे हो जी हाँ आप कब कोचिंग करोगे सर फिर से तैयारी करेंगे फिर से करेगा यही करता रहेगा सर सर ने कहा है क्यों डरे जिंदगी से कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा जरूर होगा हाँ गाड़ में डाल लेना तजुर्बा होगा ये देखिए इन लोग का यही चलते रहता था सालम साल बैठ के हंस रहा है मौका जी सा इधर भी एगो स्टूडेंट था कहाँ गया जी स्टूडेंट है ही नहीं गया किसान ए हेलो भाई साहब ये एगो स्टूडेंट था ना जी कहाँ गया इसमें जो लड़का था उसका तो डेथ हो गया डेथ हो गया कैसे हाँ वो पानी बरसा था
तो बिजली का तार पता नहीं कहाँ से गेट में चिपका था और गेट ये पकड़ लिया। ये भी न्यूज़ आई थी। ये नहीं, ये रियल वो हुआ है के साथ। ये हुआ है। काफी कारणी आई थी न्यूज़। ये देख रेस्क्यू। कुछ अंडे में लगी आग के बाद भी नहीं लिया सबक। ये भी भर गया था ना पानी, अभी वाला जिसमें तीन की हुई है, इसमें अचानक भरने लगा पानी, कुछ समझ में आया दिल्ली को जाने कैसे ही थी। जस्टिस भाई फनी वीडियो लेकिन विद अ मैसेज कि इतने भी तैयारी में अंधे मत हो जाओ कि आप सब कुछ छोड़ के आपको लगे नहीं भैया इतना जुनून पैशन हर चीज होता है। यही जुनून ना हर एक क्रिकेटर बनने वाले में भी होता है, सब में होता है, लेकिन आपको सही टाइम रहता है, आपको ये समझना चाहिए कि भैया मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है। कई बार और हमेशा इसलिए कहा जाता है कि बैकअप आपके पास तैयार होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हैट्स ऑफ टू हर्ष राजपूत भाई, क्या गजब वीडियो बनाई है। हर एक चीज की आज के टाइम पर बिजनेस बन चुका है, हर एक चीज बिजनेस बन चुकी है भैया। नहीं तो देखिएगा ना, सब नंबर वन इंस्टीट्यूट नंबर, और जो पीजी की हालत दिखाई है ना, ये एक्चुअल होती है, हार्श रियलिटी। मतलब जो बच्चे उसके कोचिंग वगैरह के लिए जाते हैं, जब पीजी मिलते हैं ना उन्हें बिल्कुल एकदम छोटे, मैंने देखे हैं। और आपकी वीडियो तुमने देखी होगी जब ये पूरा ये हुआ था वाक्य, इसके बाद से कितने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कितने उनके दिखाए कि हर जगह ऐसे लूप होल्स है, लापरवाही हर एक चीज। और मैं कहता हूँ कि देखो किसी पिक्चर को देख के फैन बनना और इंस्पिरेशन में फर्क होता है। आपको स्पीच दे रहा है कोई, गूगल से चार लाइन पढ़ के बोल रहा है, बैकग्राउंड में म्यूजिक मोटिवेशनल लगा दिया, आंख से वो चिंगारी से निकाल के, तो ये नहीं है कि भाई इसकी तो लाइफ ही हो। वो जो डायलॉग होता है ना, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, कोई नहीं बनाता। हाँ, हाँ, आपको खुद बनना पड़ता है। तो और हर एक चीज का आप ये चीज समझो कि एक वक्त दो हर एक चीज को, नहीं होता ना तो भैया वो चीज छोड़ दो। और कि ऐसा नहीं है कि बस वन लाइफ खत्म हो गई, अगर दो साल में क्लियर भाई और ऑप्शन है, कुछ और ऑप्शन है। बिल्कुल भाई, ये वीडियो बहुत बढ़िया थी, बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आया था। हर एक चीज मुझे लगती है कि भाई कि जैसे वो उस पे भी लेके आए थे, कौन सा था वो मार्केटिंग वाले पे, MLM, उस पे भी बहुत लोग समझदार हो रहे हैं, बहुत लोग समझ रहे हैं वाकई में कि किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है, किस तरीके से क्या चीज होती है। वीडियो बढ़िया थी, रोस्ट वीडियो कह लो कुछ कह लो, लेकिन विद अ मैसेज कि नहीं हो रहा ना तो रुक जाओ। क्रिकेट यार, मैं खुद क्रिकेट खेला हूं, मैं 10वीं क्लास में शुरू किया था और मैं खेला हूं कम से कम 25-26 साल की उम्र तक, लेकिन मैं साथ में ना बैकअप भी तैयार करता रहा कि भाई ये नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे, कुछ नहीं तो कुछ और कर लेंगे। ये चीज समझने वाली बात होती है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं बस इतने वो जाते हैं कि आखिर उनको समझ आता करे तो करे क्या। ये चीज है, हार्श रियलिटी है, लेकिन सेफ्टी वाइज भी बहुत सारी चीजें आपके सामने अब आई होंगी हाल ही में। और देखा था स्टूडेंट्स का गुस्सा भी कितना आया था सामने। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।